अशरफ अली। ऐसा लग रहा है वापस, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आज ही रिलीज हुई और आज ही देख रहे हैं हम है, तो अच्छा लग रहा है बड़े पर्दे पे बड़े स्क्रीन पे देखने के बड़े लिए। मजा आया, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, तो मजा घर आज परदेसी। और सनी देओल भाई, सनी देओल के डायलॉग्स वो सब एक नंबर डायलॉग। अच्छी लगी है, ऐसा लग रहा है वापस, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आज ही रिलीज हुई और आज ही देख रहे हैं हम। अच्छी लगी। साल के पहले कैसा नजारा था? अब भी 22 साल के बाद यार उतनी एज जब मेरी थी नहीं और मैं उतना थिएटर में उस टाइम आया नहीं था, मैंने लास्ट टीवी वगैरह पे देखा था, लेकिन थिएटर में देख के एक्सपीरियंस अच्छा था। क्या आप सबसे बेहतर इस फिल्म में है जो लोगों ने उस वक्त बहुत ज़्यादा पसंद किया था? वो तो मुझे उस टाइम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त ये है कि ना वो पिक्चर थिएटर में देखने में इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, जैसे ना हम लोग आज ही देख रहे हो बस। इस फिल्म को देखने के बाद ऐसी कौन सी खास चीज़ लग रही है जो आपके बॉलीवुड के फिल्म में जो मिसिंग है? ये मूवीज़ और आज की मूवीज़ में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। ये एवरग्रीन है, आज नहीं आज से और 15 साल बाद भी अब थिएटर में लगाओगे तो लोग देखेंगे। क्या बात है। लेकिन जो आज की मूवीज़ है वो तो आपको खुद को मालूम है क्या हाल चल रहा है। अब ये खाली सलमान खान है जो बॉक्स ऑफिस पे बस कलेक्शन बनाए बैठे, शाहरुख खान है बनाए बैठे, बाकी तो सब ऐसे हो गए एकदम कि भाई बॉलीवुड में इनका कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा कौन सा पर्टिकुलर सीन है या फिर पर्टिकुलर? अशरफ अली। चलो ठीक है, जाते थे लोगों से क्या दरखास्त करेंगे जैसे फिल्म रिलीज हुई है, और 5 में से कितने स्टार अगर देंगे तो? 5 में से 5। और लोगों को कैसे दरखास्त करेंगे फिल्म देखने के लिए? देखना चाहिए लोगों को, क्योंकि जिन्होंने थिएटर में नहीं देखा, जिन लोगों ने उनको देखना चाहिए थिएटर में, उनके लिए मौका है। हाँ, उनके लिए मौका रिलीज किए लोगों ने तो मौका मिला उन लोगों को, तो देखना चाहिए। सर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि अभी वो गदर तो देख लिया मैंने, अभी क्रांतिवीर वैसी रिलीज करो जैसे गदर रिलीज हुई। लेकिन रिपीटेड ही आया और हम लोगों के टाइम पे 4K क्वालिटी में है तो अच्छा लग रहा है बड़े पर्दे पे बड़े स्क्रीन पे देखने के लिए। बड़े स्क्रीन पे देख के ज्यादा मजा आया। उस वक्त का नजारा कैसा था आपका नजारा? अभी उस वक्त हम लोग बहुत पैदा भी नहीं हुए, हम लोग जाकर के पैदा नहीं लिए होंगे, पता नहीं, स्क्रीन पे देख के अच्छा लगा। अच्छा, छोटे मोबाइल पे देखने का नजरिया कैसे, बड़े पर्दे पे देखने का नजरिया? बड़े पर्दे पे तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छा। 4K क्वालिटी में भी मस्त लग रहा है, एकदम देखने में भी मस्त है। ऐसी कौन सी जो चीजें है जो ऐसी फिल्मों को बढ़ावा देती है या फिर ऐसी फिल्मों को हिट कराती है जो आपकी बॉलीवुड फिल्म में मिसिंग कर रही है? अच्छा, इसमें दिखाया है कि आप अपना नफरत सब करके इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो भी आपको क्या लगता है सर, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी पिक्चरों में मिसिंग है या फिर ऐसी फिल्मों को ज़्यादा करके मतलब सुपर डुपर हिट बनाती है? मेन क्या कि इसमें धर्म आता है, धर्म जो लेकर के आता है वही लेकर के है आपका हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जो कि बोलता है इसमें हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो यही सब बात कर लेकर के बड़े स्क्रीन पर देखने में कुछ मजा आता है और एक्सपीरियंस शेयर करने में। अच्छा, पूरी पिक्चर को देखने के बाद ऐसा कौन सा डायलॉग बाजी या फिर ऐसा पर्टिकुलर सीन सबसे ज्यादा? मुझे तो ये मजा आया, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, तो मजा आया। सर अपने हिसाब से क्या था? मेरा भी वही, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, रहेगा। अच्छा, सनी पासी कैसे लग रहे? 25 साल 22 साल मस्त है उसका एकदम रोल, एक्टिंग हार्ड है, मतलब फुल पैसा वसूल हो गया। मैं सिर्फ अमीषा पटेल के लिए आया था। चलो ठीक है, व्हाट्स पर आपका हाउ यू विल अपील टू ऑडियंस, लोगों को कैसे अपील करेंगे फिल्म देखने? बहुत अच्छा है, आप लोग जाओ एक बार बड़े स्क्रीन पे, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख के आप अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगेगा आपको। और 5 में से कितने अगर स्टार देंगे तो? मैं फुल 5 दूंगा सर। आपका? मेरा भी फुल 5 मिलेगा। वो सॉन्ग सुनना जो सॉन्ग उसमें एक नंबर मस्त लगा मुझे, वो घर आज परदेसी। और आपका? मुझे भी सारे सॉन्ग उसके पसंद है, मैं तो सुनता था बचपन में सुन के, तो अभी उसको बड़े पर्दे पे देख के और मजा आया। अमीषा मैडम तो अमेजिंग, सुपर ऑल टाइम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। 5 साल के बाद एक्सपीरियंस किया, क्या एक्सपीरियंस हो? ये बहुत अच्छा है, मजा आया पिक्चर में। एचडी वगैरह स्क्रीन वगैरह कैसा है? बहुत अच्छा है, पहले से भी अच्छा है। ऐसा कौन सा पर्टिकुलर सीन है, पर्टिकुलर डायलॉग है सबसे ज्यादा एंजॉय किया आपने? वो पीछे का जो डायलॉग है लास्ट का, वही एंजॉय किया हम लोग, शूटिंग वीटिंग सब ले लिए, बहुत अच्छा लगा। 5 में से हम 3 दे सकते। क्या बात है, पाजी के लिए क्या कहना रहेगा तारा सिंह? हाँ, तारा सिंह के लिए क्या कहना है? बहुत बहुत अच्छा, और पहले जैसा और भी स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छा भी। गदर 2 आ रही है, गदर 2 कैसी चलेगी? वो पहला शो देखेंगे हम, चल गए वो भी चल सकेगी। हाँ, बहुत अच्छी चलेगी, एक नंबर। क्या सबसे बेस्ट, सबसे आपने एंजॉय? बस सनी देओल भाई, सनी देओल के डायलॉग्स वो सब एक नंबर डायलॉग। कौन सा पर्टिकुलर डायलॉग है, पर्टिकुलर सीन है? हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या, तारा सिंह कैसे लग रहे? तारा सिंह का तो वही था ना, फाइटिंग वाला रोल, गाने वगैरह सब।